क्या सिंधिया होंगे भाजपा से अलग? आखिर क्यों नाराज हैं बीजेपी से सिंधिया? भाजपा बैठक से आखिर सिंधिया ने क्यों बनाई दूरी? आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसी भी कीमत पर सत्ता नहीं खोना चाहती है। कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव को देखते हुए भाजपा ने आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई थी। इस बैठक को विधानसभा चुनाव के तौर पर अहम मानी जा रही है, लेकिन प्रदेश कार्य समिति की बैठक से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिंह दिखाई नहीं दिए। जी हां, आपको बता दें, कार्य समिति की बैठक से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाराज रहना चर्चा का विषय बन गया है। जबकि प्रदेश बीजेपी ने कार्य समिति की बैठक में सभी सांसद और राज्यसभा सांसदों को शामिल होने का आदेश दिया था। अंदर खाने से खबर है कि महाराज सिंधिया के अधिकांश विधायकों के कामकाज से सरकार खुश नहीं है। बीजेपी इस बार उन विधायकों का टिकट काट सकते हैं जो वही महाराज सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं। इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। महाराज ने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। खबर यह भी है कि महाराज सिंधिया ने हाई कमान को टिकट देने के लिए करीब 53 लोगों के नाम दिए थे। फिलहाल आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसी भी कीमत पर सत्ता नहीं खोना चाहती है, लेकिन सिंधिया के इस तरह से बीजेपी के बैठकों से दूरी बनाना कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में खलबली मचा रखी है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।